कर्ज के बोझ से जूझ रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को बेचने के लिए एक बार फिर से बोली मंगाई गई है। सरकार ने एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बने एक मंत्री समूह ने 7 जनवरी को इस सरकारी विमानन कंपनी के निजीकरण से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। एयर इंडिया पर 80,000 करोड़ रुपए का बकाया है। सरकार ने 17 मार्च तक एयर इंडिया के शेयरों की खरीद के लिए बोलियां मंगाई हैं। बिडिंग प्रक्रिया में जो क्वालिफाई करेंगे उन्हें 31 मार्च तक इसकी जानकारी दे दी जाएगी। गौरतलब है कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में 100% शेयर सरकार के पास ही हैं। इससे पहले 2018 में एयर इंडिया में 76% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव मोदी सरकार लेकर आई थी, लेकिन इस डील के लिए कोई तैयार नहीं हुआ था। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.